घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल ने दिए 5 मंत्र। क्या राहुल के ये 5 मंत्र देश को बदल देंगे? राहुल ने 2022 तक युवाओं को रोजगार देने का किया वादा। 2019 चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने पेश कर दिया है। घोषणा पत्र पेश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे की तर्ज पर न्याय, रोजगार, किसान और अर्थव्यवस्था पर 5 बड़ी बातों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र को पेश करने से पहले कहा कि इसमें झूठ कतई नहीं है। राहुल ने कहा कि जब हम न्याय की बातें करते हैं तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। कांग्रेस के पंजे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने 5 बड़े आइडिया दिए। न्याय की थीम पर पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम ने कहा था कि वो 15 लाख रुपए लोगों के बैंक खातों में डालेंगे। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। राहुल ने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस भारत के 20% गरीब परिवारों के खाते में हर महीना पैसा डालेगी। राहुल ने कहा कि इसमें 2 काम होंगे, एक तो गरीबों की जेब में सीधा पैसा जाएगा और दूसरा नोटबंदी और GST से जो अर्थव्यवस्था जाम हो गई थी उसे रफ्तार मिलेगी। देश के युवाओं का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि 22 करोड़ सरकारी रोजगार खाली पड़े हुए हैं, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उन्हें 2022 तक भर दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देने का भी वादा किया। राहुल ने कहा कि पीएम ने मनरेगा का कितना मजाक बनाया, लेकिन मनरेगा ने देश के लोगों का कितना फायदा किया ये किसी से छुपा नहीं है। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर कांग्रेस निशाने पर आ रही है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाने का है।